हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीक्षा लॉ सक्सेस मिरर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एनआरसी के बारे में। एनआरसी अर्थात नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इसके बारे में बताने वाली हूँ। एनआरसी क्या होता है, एनआरसी कैसे अपडेट किया जाता है, जी हाँ, इसकी जानकारी आपको देने वाली हूँ। तो इस पर आइए, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी को असम राज्य में अपडेट किया गया, जिसमें लगभग 20 लाख लोगों के नाम ऐसे हैं जिनको नागरिकता से वंचित किया जाना है, उसको वापस से अपडेट किया गया। और लगभग 3.504 लाख कुछ लोग हैं जो रजिस्टर में नहीं आते हैं या नहीं आ रहे हैं। दूसरा, असम में एनआरसी को सबसे पहले 1951 में नागरिकों, उनके घरों और उनकी संपत्तियों को जानने के लिए तैयार किया गया था। राज्य में एनआरसी को अपडेट करने की मांग 1975 से आल असम स्टूडेंट्स यूनियन द्वारा उठाई गई थी, या ये कहें कि 1975 में आल असम स्टूडेंट यूनियन द्वारा उठाई गई थी। 1985 में आया असम समझौता, जी हाँ, 1985 में जो असम समझौता आया, या उसको ये भी कहेंगे कि बांग्लादेशी स्वतंत्रता से एक दिन पहले 24 मार्च 1971 की आधी रात को राज्य में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी शरणार्थियों के नाम मतदाता सूची से हटाने और वापस बांग्लादेश भेजने के लिए बनाया गया था, जी हाँ। तो यह असम समझौता इसलिए बनाया गया था। फिर है, असम की आबादी लगभग 33 मिलियन है। यह एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने एनआरसी को अपडेट किया है, और एनआरसी की प्रक्रिया 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शुरू हुई थी। अब आते हैं एनआरसी को कैसे अपडेट किया गया, जी हाँ दोस्तों, एनआरसी को कैसे वापस अपडेट किया गया, इसके बारे में आपको बताऊंगी कि यदि कोई भी असम के नागरिकों की चयनित सूची में अपना नाम देखना चाहता है तो उसे 25 मार्च 1971 से पहले राज्य में अपना निवास साबित करना होगा। इसके लिए कुछ दस्तावेज उसे जमा करने होते हैं। इन दस्तावेज को सूची ए के दस्तावेज कहा जाता है। यदि कोई दावा करता है कि उसके पूर्वज असम के मूल निवासी हैं, इसलिए वह भी असम का निवासी है और उसे भारत का नागरिक माना जाएगा या उसे भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए, तो उसे कुछ दस्तावेजों को फॉर्म के साथ जमा करने होंगे जो सूची बी में भी हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब आते हैं सूची ए में मांगे गए प्रमुख दस्तावेजों के बारे में। जी हाँ, सूची ए में जिसमें से आपका है कि 24 मार्च 1971 तक का इलेक्ट्रोल रोल होना चाहिए, 1951 का एनआरसी होना चाहिए, किराया और किरायेदारी के रिकॉर्ड या किराया नामा होना चाहिए आपके पास, नागरिकता प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, बैंक या LIC दस्तावेज, स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र और अदालत के आदेश रिकॉर्ड, फिर शरणार्थी पंजीकरण प्रमाण पत्र। अर्थात सूची ए में मांगे गए दस्तावेजों को फॉर्म के साथ जमा करता है तो वह असम का नागरिक समझा जाएगा, या ये कहें कि कोई भी व्यक्ति जो इन सूची ए में दिए गए दस्तावेजों में से किसी भी एक दस्तावेज को अपने फॉर्म के साथ जमा करता है तो वह असम का नागरिक समझा जाएगा। और अगर किसी के पास सूची ए का दस्तावेज नहीं है तो वह सूची बी के दस्तावेजों को जमा कर सकता है, जी हाँ। तो अब हम जानेंगे सूची बी के प्रमुख दस्तावेज जिनके आधार पर उनको असम की नागरिकता मिलती है, जी हाँ। तो भूमि के दस्तावेज, दूसरा बोर्ड या विद्यालय या विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र जहाँ पर उस व्यक्ति ने पढ़ाई की हो, तीसरा जन्म प्रमाण पत्र जिसका जन्म असम में हुआ हो, फिर है बैंक या LIC या पोस्ट ऑफिस रिकॉर्ड, फिर है राशन कार्ड, मतदाता सूची में नाम, फिर है कानूनी रूप से स्वीकार्य अन्य दस्तावेज जिसे कोर्ट द्वारा मान्यता प्रदान हो, जी हाँ। और फिर है नंबर 8 या कहें अंतिम में है, विवाहित महिलाओं के लिए एक सर्कल अधिकारी या ग्राम पंचायत सचिव द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र, जी हाँ। तो इनमें से कोई भी दस्तावेज लगाकर एनआरसी में अपना नाम दर्ज करवा सकता है और वह भारत का नागरिक माना जाएगा, जी हाँ दोस्तों। तो अब मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में ये कहना चाहूँगी कि जो एनआरसी है इसका तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं। एनआरसी का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो भारत में घुसपैठिए बैठ रहे हैं या जो घुसपैठिए या आतंकवादी जो आ रहे हैं तो उनको भारत में ना आने को मिले, या ये कहें कि वो भारत में ना आ पाएँ और भारत की संपत्ति या भारत के लोगों को नुकसान ना पहुँचाएँ, इसलिए ये एनआरसी का प्रावधान
किया गया है। एनआरसी का तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी, आपको भारतीय नागरिकता है। और आज के समय में सूची ए में तथा सूची बी में बनाए गए सभी दस्तावेजों में से हर किसी के पास कोई ना कोई एक दस्तावेज जरूर होता है जिसके आधार पर उसे भारतीय नागरिकता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, तो एनआरसी का बिल्कुल भी एनआरसी को बिल्कुल भी गलत ना समझें, ये देश के हित में है। थैंक यू।